आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीजों, मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है कि हमें कलाम पढ़ना क्यों जरूरी है, कलाम को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, पाक कलाम की पहचान होना क्यों जरूरी है। अजीजों, पाक कलाम में बड़ी जगहों पे बताया गया है झूठे नबियों के बारे में, झूठे पास्टर्स के बारे में, कि किस तरह वो लोगों को बरमाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगे और लोगों को वो कहानियां सुना सुना के उनके इमोशंस के साथ खेलेंगे। इसी तरह आज के दौर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो कलाम को जानते नहीं हैं, कलाम को पढ़ते नहीं हैं और स्टेज पे आकर जज्बात में आके कुछ भी बोल जाते हैं। तो इस पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीजों, आज जो हम बात करने वाले हैं तो वो पास्टर है अंकुर निरोला। ये इंडिया के एक पास्टर हैं जो इंडिया के पंजाब में खिदमत करते हैं और बहुत बड़ी इनकी मिनिस्ट्री और लाखों हज़ारों की तादाद में लोग इनके चर्च में आते हैं। तो हाल ही में एक इनकी वीडियो मेरे सामने आई। वैसे तो इनकी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन जो अभी मेरे पास वीडियो आई है उस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत बुरा भी लगा कि एक ऐसा पास्टर जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग उनको मानते हैं। सबसे पहले उन लोगों को बता दूं जो अपने पास्टर्स को बड़ा पसंद करते हैं, उनको अपना रूहानी बाप मानते हैं और उनके बारे में गलत चीज़ सुनना पसंद नहीं करते। तो वो लोग उन लोगों के बारे में गलत चीज़ सुन के बर्दाश्त तो नहीं करते, लेकिन वही बंदा अगर कलाम के बारे में गलत बयान करे तो किसी को कतई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा। तो मेरे अजीज़ों, हमारे लिए सबसे पहले कलाम है, हमारी बुनियाद कलाम है, ना कि हमारी बुनियाद लोग हैं। आखिरी वक्त में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हम किस पास्टर को फॉलो करते थे, किस पास्टर के पीछे चलते थे या किस पास्टर ने हमें क्या चीज़ें गाइड की थी, बल्कि हमसे ये पूछा जाएगा कि हमने कलाम पे कितना अमल किया, हमने कलाम को कितना समझा, हमने कलाम को कितना अपनी ज़िंदगी में लिया। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखो, उसके बाद हम बात करते हैं। इस वीडियो में आप गौर करो कि अंकुर निरोला ने किस तरह कलाम को गलत बयान किया है और किस तरह उन्होंने यीशु की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की इंसल्ट की है। करेगा तो सीधी बेइज्जती करूंगे और तेरी डबल बेइज्जती करेगा। यूहन्ना कहता, ओए यीशु मसीह ने पूछो तू ही है कि मैं कहीं होर दा इंतजार करा। बेइज्जती की यीशु मसीह। यीशु मसीह ने चल फिर तेरी भी बेइज्जती होएगी कि एक प्रॉफिट का सिर एक नचने वाली छोटी जी कुड़ी कटेगी। हूं चल तू भी तुरया चल। तो मेरे अजीजों, आपने ये वीडियो देखी, ठीक है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की बेइज्जती की और यीशु की बेइज्जती करने पे यीशु ने उसे बोला कि जा, मैं तुझे ये सजा देता हूँ कि एक बच्ची, नाचने वाली बच्ची तेरा सर काटेगी। इस बात की कोई बुनियाद नहीं है, इस बात का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में अगर हम बाइबल में पढ़ें, सबसे पहले हम देखें मलाकी, जो पुराने ऐदनामे की आखिरी किताब है, जिसके 400 साल के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र मिलता है। और इसके अलावा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पेशेनगोई यसाया नबी ने भी की, इसके बारे में भी हम यसाया नबी की किताब उसके 40 बाब में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो अंकुर निरोला ने बोला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की बेइज्जती की, और इस बारे में भी हम अगर पढ़े यूहन्ना की अंजील 3 बाब में, यूहन्ना खुद कहता है कि ए खुदा मैं घटूँ तू बढ़े। इससे कहाँ पे जाहिर होता है कि यीशु की बेइज्जती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की, कि यूहन्ना तो एक ऐसा नबी था जिसने यीशु की राह तैयार की, लोगों को बपतिस्मे दिए, लोगों को उसने यीशु की तरफ लाया, यीशु का रास्ता लोगों को दिखाया। और यीशु ने खुद उसके बारे में बोला, जैसा कि मत्ती उसका 11 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तक औरतों में से जितने लोग पैदा हुए यूहन्ना उनमें से सबसे अव्वल है। आमीन। तो अंकुर ने रोला किस तरह ये कह सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की बेइज्जती की और यीशु ने उसे ये बोला कि एक नाचने वाली औरत या बच्ची तेरा कत्ल करेगी। यहाँ पे अंकुर ने रोला ने दो बातों को आपस में मिक्स कर दिया है, कहानी बना के लोगों को सुना दी है। अगर आपने वीडियो में गौर किया हो, आपने देखा होगा सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो भी ऐसे पास्टर्स की गलत बातों पे
अपने सर को हला हला के हाँ हाँ करी जा रहे हैं। और ये लोगों को इसलिए पहचान नहीं होती, इसलिए लोग सच्चाई को जान नहीं पाते, क्योंकि वो खुद कलाम को नहीं पढ़ते, वो कलाम को खुद नहीं जानते। वो जस्ट अपने लिए लोगों को मुंतखिब कर लेते हैं और वो जो उनको लाल बत्ती के पीछे लगाते हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं और उसका ही पीछा करते रहते हैं, ना कि वो सच्चाई की तलाश करते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम तजर्बे से जानो कि हम जिनके पीछे जा रहे हैं, हम जिनके पीछे लगे हुए हैं, क्या वो वाकई में खुदा के लोग हैं, क्या वो वाकई में खुदा के कलाम की सच्ची तालीम दे रहे हैं, या बस उन्होंने लोगों को शिफाओं के पीछे लगाया हुआ है, या उनको इमोशंस के पीछे लगाया हुआ है। जो अनकुर ने रोला ने बोला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटा, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मरकज उसका 6:17-29 आयत पढ़ें तो वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर क्यों काटा गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर इसलिए काटा गया था क्योंकि उस दौर के हेरोदेस बादशाह ने अपने भाई की बीवी से शादी कर ली थी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस को बोला कि ये गलत चीज़ है, और तब से ही हेरोदेस को मारने के लिए मौके तलाश करना शुरू हो गया ताकि वो उसको किसी ना किसी तरीके से मार सके। इसी तरह एक दिन बादशाह की बेटी ने नाच कर बादशाह को खुश किया और बादशाह ने उससे पूछा कि ऐ बेटी तुझे क्या इनाम चाहिए, और उसकी बेटी अपनी माँ से पूछ के बताती है कि ऐ माँ तू मुझे बता मैं बादशाह से क्या मांगू, तो उसकी माँ कहती है यूहन्ना का सर मांग ले, और वो बेटी अपने बाप से कहती है मुझे यूहन्ना बपतिस्मा वाले का सर थाली में चाहिए। और हमारे जो प्रीचर है, हमारे जो लीडर है, जो खुद को अपोलोजिस्ट कहते हैं, जो खुद को प्रॉफिट कहते हैं, जो खुद को पास्टर कहते हैं, वो खुद बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, तरह तरह से उनको मिसगाइड करते हैं। मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं वो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो उन्होंने कलाम के मुताबिक गलत बयानी की है, कलाम को गलत बयान किया है, या कलाम की वर्डिंग को, कलाम की वर्सेस को, कलाम के कॉन्सेप्ट को, कलाम की बातों को, लोगों को तरह तरह से उन्होंने गुमराह किया है या उनको बरमाया है। मैं जस्ट उस पर बता रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ। अब बहुत सारे मुझे लोग कहेंगे कि आप उनके साथ प्राइवेट बात कर सकते थे, आप उनके साथ पर्सनल उनके पेज पे जाते, उनके अकाउंट पे जाते, उनके यूट्यूब पे जाते, उनको ईमेल करते, आप उनके साथ प्राइवेट बात करते। तो मेरे अजीज़ों, ये मैं प्राइवेट बात इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्होंने ये जो बात की उन्होंने हज़ारों लोगों के सामने की, और ये बात हज़ारों लोगों को बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं कलाम की गैरत रखता हूँ, मैं कलाम की इज़्ज़त करता हूँ, कलाम की जहाँ पर गलत बात होगी मैं उस बात को गलत ही बोलूँगा और लोगों को सही बात बताने के लिए जदोजहद करूंगा और कोशिश करूंगा ताकि उनको सही बात बता सकूं। अब आपने वीडियो में देखा भी होगा कि किस तरह लोग उनकी गलत बात पे अपने सर को हला के हाँ हाँ कर रहे थे। इसके अलावा भी अनकुर ने रोला की बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन हम उनको जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कलाम पढ़ते नहीं, कलाम को समझते नहीं। और अगर कोई मेरे जैसा भाई जो सच्चाई को फैला रहा होता है, सच्चाई को बता रहा होता है, उसको वो लोग जो कलाम को जानते नहीं पढ़ते आके उनको ट्रोल करना शुरू हो जाएंगे, तू कौन होता है लोगों को बताने वाला, तू कौन होता है लोगों को गाइड करने वाला, तू कौन होता है जज करने वाला। मैं ये मानता हूँ मैं उनसे उम्र में भी छोटा हूँ और शायद उनसे इल्म में भी छोटा हूँ, उनसे मैं नॉलेज में भी छोटा हूँ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलत बात की थी। और एक मसीही होने के नाते, एक खुदा का खादिम होने के नाते, एक सर्वेंट होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं मसीही वीडियोज़ बनाता हूँ, और जहाँ पर भी कलाम को गलत या गलत बताया जाएगा या कलाम से लोगों को मिसगाइड किया जाएगा, उनको बरमाया जाएगा, उनको गुमराह किया जाएगा, तो वहाँ पे मैं कलाम की सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है आज के दौर में आपके लिए कलाम को पढ़ना, कलाम को समझना, कलाम पे अमल करना। तो अगर अभी तक आप कलाम नहीं पढ़ते हो तो कलाम को पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने अपने लिए किसी पास्टर का इंतखाब किया हुआ है तो उस पास्टर को तजर्बे से जानो कि क्या वो जो पुरपट पर चढ़ के बोलता है, क्या वो उस पर खुद भी अमल करता है या नहीं करता। अगर वो नहीं करता तो वो कभी भी रूहानी पास्टर नहीं है, अगर वो करता है तो यकीनन वो खुदा की तरफ से है और खुदा के कलाम की इज़्ज़त करता है, खुदा की इज़्ज़त करता है, वो हमेशा आपको सच्चाइयों के बारे में गाइड करेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत सारी रूहें बच सकती हैं। शायद जो लोग इस तरह के लोगों से गुमराह हैं और जो लोग मिसगाइड हैं या जहालत का शिकार हैं,
शायद वो इस वीडियो को देख के अपने आप को बदल लें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों और ज़िंदगी को हासिल करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।